हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये है मछली पकड़ने का हुक। तो दोस्तों, मछली पकड़ने का हुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त हुक है ये। दोस्तों, कई प्रकार के हुक आते हैं, लो क्वालिटी में भी आते हैं, हाई क्वालिटी में भी आते हैं, लोहे के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है हाई स्टील हुक। ये हाई स्टील हुक होता है दोस्तों, और ये कितनी भी बड़ी मछली हो तोड़ नहीं सकती इसको दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया हुआ होता है और काफ़ी अच्छा हुक है दोस्तों। मैं इस्तेमाल यही करता हूँ, आप फिशिंग और वीडियो में देखते हो तो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल इसी का करता हूँ। और आज हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसको डोर से बांधें, वो हम तरीका बताएंगे। आप भी यदि हुक का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों, बांधने का जो तरीका होता है हुक का, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार से हुक को हम बांधेंगे आज। और ये हाई स्टील का ही हुक लें आप, वरना ये होता है दोस्तों, आपका हुक जो है वो टूट जाता है जल्दी। मछली जब आपके चारे को पकड़कर भागती है तो आपका जो हुक है वो टूट जाता है या डोर टूट जाती है दोस्तों। आप दोनों चीज़ मजबूत लीजिएगा, चाहे उसमें डोर हो या फिर आपका हुक हो। मजबूत लोगे तो आप शिकार कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि मजबूती से ही आप जो है शिकार आसानी से कर पाओगे। और ये हाई स्टील हुक जो है बहुत ही नुकीला होता है दोस्तों। एक बार थोड़ा है ही आप चारा डाल के पानी के अंदर डालिएगा, और मछली लगने के बाद आप यदि थोड़ा सा झटका भी मारते हैं तो भी इसमें मच्छी शिकार हो सकती है दोस्तों। और ये डोर देख रहे हो आप, ये हाई प्लास्टिक डोर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। यदि इसी प्रकार की डोर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो इससे कम से कम 10 किलो की मछली आप आसानी से पकड़ सकते हो। 10 से 15 किलो की जो वेट होता है दोस्तों, 10 से 15 किलो आप इससे आसानी से पकड़ सकते हो, खींच सकते हो, चाहे वो पानी के अंदर कितनी भी दूर हो। ये जो डोर देख रहे हो आप, ये 10 से 15 किलो जो है वजन को आसानी से खींच सकती है दोस्तों, टूटेगी नहीं, इतनी हाई रबड़ की डोर है ये, आप देख रहे हैं। तो फिशिंग लाइनोन है दोस्तों, ये फिशिंग लाइलोन के नाम से आती है। तो आई होप आप भी यही लेंगे और अच्छे से फिशिंग करेंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आप हुक ले रहे हैं तो स्टील का ही लें, ना कि लोहे का। लोहे वाले में क्या होता है, वो जल्दी टूट जाता है दोस्तों, और जब आप पानी के अंदर डालते हो, लोहा जंग पकड़ता है दोस्तों। जंग पकड़ने के बाद आपका हुक जो है कमज़ोर होता जाता है, तो इसलिए आप जो स्टील है वो स्टील का ही लें, क्योंकि स्टील में और लोहे में दिन रात का फ़र्क है दोस्तों। स्टील आपका जिर नहीं पकड़ता है। और बांधने का इसका तरीका आप देखिए, हम डोर को किस तरीके से ये विधि बता रहे हैं आपको, तो इसी विधि को आप फॉलो कीजिएगा दोस्तों। होल में से सीधी डोर निकालिए, और डोर निकाल करके कुछ हिस्सा जो है हुक से आगे निकालिए, आगे निकाल के जो है उसको मोड़ लीजिएगा। ये जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आपको इसको जो है गोल गोल घुमाना है दोस्तों, हुक के चारों तरफ डोर को घुमा देना है। 3-4-5 बार घुमा दीजिएगा दोस्तों, 5-6 बार घुमा करके, और इसमें से वो डोर निकालिए जो आपके हाथ में है। ये आप जो होल देख रहे हैं, इसी में से निकाल करके और इसको पीछे वाली डोर को खींच दीजिएगा। ये देखिए, हमने पिछले वाली डोर खींच दी है, और ये बंधेज जो है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये बंधेज। इसको मछली बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती, और ना ही ये खुलने में आएगा दोस्तों। ये देखिए, हमने बांध दिया है। बांधने के बाद ऐसा इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।